सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सुनकर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बागपत में तीन तलाक के बाद दूसरी शादी का विरोध करने पर पति द्वारा पिता के सामने ही विवाहिता पुत्री के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने अपर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल मामला बागपत के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां शिकायती पत्र लेकर पहुंचे शौकीन निवासी भीखनपुर थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसने 2013 में अपनी पुत्री रुखसार की शादी खेकड़ा निवासी ताहिर पुत्र जाहिद के साथ की थी। शादी के एक साल बाद से वो लोग दहेज की मांग करने लगे, जिसके बाद उन्होंने मारपीट कर उसकी पुत्री को घर से निकाल दिया। उसने बताया कि मामला कोर्ट में चला हुआ है। कुछ ही दिन पहले वो अपनी पुत्री को लेकर उसके ननिहाल गया हुआ था, जहां ताहिर ने अपने परिजनों के साथ उन पर हमला बोल दिया और दूसरी शादी का विरोध करने पर उसकी पुत्री के साथ जमकर मारपीट भी की। यही नहीं, तीन तलाक कहकर उसने कहा कि अब उसका दूसरी युवती से निकाह हो चुका है, यदि मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार दूंगा। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पीड़िता को शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बागपत से लोकेश चौहान की रिपोर्ट। तकरीबन दो महीना पहले ये लड़की यहाँ खेकड़ा में ब्याही हुई है। तकरीबन दो महीना पहले यहाँ गांव मऊ में 5-6 जने आए और वो जो है लड़का 3 बार जो है तलाक दे करके हमारी लड़की को तलाक तलाक कहकर चला गया। तलाक देने की वजह रही कि ज़्यादा दहेज मांगने की वजह से जो है हमारा जो है बात बिगड़ गई और हमारा मुकदमा ही चला हुआ है गाजियाबाद में, और उसने जो है दूसरी शादी भी कर ली। तकरीबन साल भर के आसपास हुआ है जी। अभी मेरी शादी 2013 में हुई थी और मेरे पति ने मुझे अभी 2 महीने पहले, मैं अपने मामा के घर पे आई हुई थी, तो मेरे मामा के घर पे मेरे हस्बैंड वहाँ पर आए और मुझे उन्होंने तलाक तलाक कहकर 3 बार तलाक दे दी जी। मेरा केस चल रहा था गाजियाबाद और उन्होंने दहेज की मांग की थी मुझसे, और जो दहेज ना मिलने के कारण उन्होंने मुझे फ़ोन पर, उन्होंने मुझे मामा के यहाँ पर आकर 3 बार तलाक तलाक कहकर तलाक दे दिया।